Still Dani Mara. Sidhu Museala. Hey, good morning, good evening, ladies and gentlemen. Namaskaram, my name is Nikhil. Namaskaram, everyone. I'm Bani and I welcome you all to the Sorry TV. This is your one-stop channel for all your reaction, reviews, and sorry, sip entertainment. Sip entertainment, because entertainment aata hai, reaction, reviews, teardown, breakdown. And giveaways. Yes. So this video would have a giveaway, guys. If you're with us, stay tuned. Thodi din mein batayenge. Yes. Pehle hum gaane ke bare mein bata rahe hain. This is a rap song that is released on Sony Music India. Yes. Singer, composer and the lyricist is Sidhu Moosewala. And the music is by The Kid. Inka combo chal raha hai. And this is going to be like tough song. Trust me, because of a rap song unhone specially likha hai. And going to be Sidhu's rap song to bahut fast chan sakta hai. I do not know. Humne nahi suna hai. So what we gonna do is we gonna jump into the video. But एक चीज मुझे तुम्हें बतानी है अभी रैप सॉन्ग लेटेस्ट आया करण औजला का दैट वाज मेक्सिको कोका अब ये सेकंड रैप सॉन्ग आ रहा है बट तुम मुंह पे आला और हुक्म में काफी ऐसे उड़ते तीर मारे गए थे जो सिद्धू की तरफ डायरेक्टेड थे तो लेट्स सी इसमें क्या कुछ है या नहीं है अगर हम कुछ पकड़ पाते हैं तो अगर हम कुछ पकड़ पाते हैं तो अच्छी बात है अगर हम कुछ नहीं पकड़ पाते तो आप हमें हेल्प करना हो प्लीज एंड गाइस इन दिस वीडियो यू कैन विन दिस हमारा बजट कम है तो हमारी बैकग्राउंड नॉइस आएगी नहीं जैसे लोग क्या कहते हैं ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा बिठाते हैं तो दिस इज गाइस सिद्धू मूसेवाला फ्रॉम द हाउस ऑफ गैलरी 99.in वेबसाइट नीचे आ रही है www.gallery99.in आप उस पे जाकर ये खरीद सकते हैं इफ यू डू नॉट मेरे चेहरे के आगे ले आओ सब कुछ आगे ही ले आओ ठीक है तो तुम गाइस यू कैन विन दिस Link is in the description for the website. Pretty cheap things for your wall arts, for your home, yes. for everything. Yes. कैसे लेना है? Video के end में बताएंगे. End में बताएंगे. Now, without wasting any time, jumping into the video. Sidhu Moosewala. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲੂ ਸਾਰੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਾਂਡ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪੀਛੇ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ I just want to hear that starting in which he said, O Kalma violent, what do you call that? O Kalma violent laina likhiya, raima likhiya. That was like violent raima likhiya. It was so beautiful. One minute. Sidhu Moosewala. The kid. O Kalma chon violent ne raima likhiya. Te bauri vich yanta da krodh baliye. जट दी जवानी विच तू मिठी है बाकी सारी लाइफ में सिन लिखे ने इट्स लाइक जस्ट यू आर जस्ट द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड रेस्ट इज एवरीथिंग एज सिन ओहो मतलब कहां जा रहा है इसको मतलब मुझे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मतलब मैं समझ रहा हूं क्या बोल रहे हैं बट क्यों बोल रहे हैं वो देखेंगे हम बहुत एलिमेंट्स हैं नहीं पकड़े जा रहे हैं बहुत किड 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 कर गया हमारे साथ टैलेंट ना राज करू दिलाय उते ही बड़े बड़ियां दे गोडे करू पेंट लिखिया ओहो टैलेंट ना राज आई मीन इट इज पीपल से ना कि सिद्धू मूसेवाला जैसे सिद्धू मूसेवाला की जो चढ़ाई है ना एमवी चढ़ गया वो आई मीन इट इज लाइक ही सेज कि यार लोग बोलते हैं ऐसा ठीक है कि ना तुक्का पै गया उस गाने चल गए वो तो कह रहा है एक चल सकता है दो चल सकते हैं तीन चल सकते हैं सारे नहीं चल सकते दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि टैलेंट नाल ही मैंने लोगों के दिल में जगह बनाई है
ठीक है दोबारा से सुन रहे हैं, थोड़ा सा प्यार हो रहा है मुझे इस गाने से, थोड़ा सा प्लीज। इसे कदे कदे मिलने आ जाए करी मेरे कर्मा ते मेरे कर्मा च जेल विच जेल दी रोटी लिखी है ते बाकी सारी लाइफ विच सिन लिखे ने मारे बंदे आना औण जान लिखिया ते पैसे दी कमाई बड़ी मोटी लिखी है कदे कदे मिलने नु आ जा करी मेरे कर्मा च जेल विचो रोटी लिखी है कदे कदे मिलने नु आ जा करी मेरे कर्मा च जेल विचो रोटी लिखी है सुनिया मैं चार दिना दी है जिंदगी आ रौलियां दे विच मेरे तन लिखे ने आओ जट दी जवानी विच रौलियां दे विच मैं तेरे डू यू गेट दैट ही सेड सुनिया चार दिन दी है जिंदगी रौलियां दे विच मेरे तीन लिखे ने मतलब मेरे तीन दिन के तो रोले पे रोले पे गए वाले I mean like he's saying that my life is so fucking tough that मेरी अगर जिंदगी चार दिन की है तो उसमें तीन दिन मेरे जिंदगी में बसड़ी पई हुई है yes. I mean it is I think it is just a hit to the people there have been like lot of social activist people who targets Sidhu Moosewala and other weapons I mean it is just the fictional videos they are creating for good music good ये नहीं कह रहे कि तुम गुठा ठा ठा They're he's not saying promoting this. Basically he's just doing it he's just living it in his songs हाँ तो उसपे cases डल रहे हैं ये हो रहा है तो this is like he's saying कि तुम्हारी चार दिन की जिंदगी मेरे तीन दिन के sin लिखे हैं sorry तीन दिन role लिखे हैं I'm just playing it back मुझे वो बहुत अच्छी line लगी if that hit you अगर तुम्हें वो hit किया है तो किया है यार अगर नहीं किया तो मतलब कुछ तो है कुछ तो गलत है तुम्हारे साथ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਓ ਜੱਟ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਐ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਿੰਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਐ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਿੰਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਓ ਡੱਬ ਨਾਲ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਐ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਐ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਆ ਬਸ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਰੀ ਲਿਖੀ ਐ ਆਓ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ बस एक बाप नाल ही यारी लिखी है मतलब और किसी नाल यारी नहीं यारी नहीं है सिद्धू मूसेवाले की बस एक उनके बाप नाल यारी लिखी है एंड पीछे जो म्यूजिक चल रहा है यार वो नहीं पकड़ा वो उसमें हम लिरिक्स पढ़ रहे थे ठीक है तो जब तुम लिरिक्स की तरफ ध्यान देते हो ना तो म्यूजिक की तरफ नहीं दे पाते हाँ। तो तुम जब म्यूजिक की तरफ ध्यान देते हो तुम लिरिक्स खोने लगते हो मैं अभी म्यूजिक की तरफ जा रहा था तब उन्होंने ऐसा कुछ बोला मैंने कहा यार रुको 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 फिर दिमाग वहां पे जाता है तो एक क्वेश्चन है मेरा अभी तक ना जैसे रैप सॉन्ग हम बोल रहे थे बट ये ऑलमोस्ट उनके प्रीवियस सॉन्ग्स की तरह ही आ रहा है मे भी कुछ आगे हो सकता है नहीं दिस इज यार मैं कैसे समझाऊं यू कैन नॉट से दिस इज नॉट अ रैप ओके बिकॉज हर एक का फ्लो अलग होता है मैं अगर तेज बोल दूं तेरी जिंदगी च तेने लिखे ने ही सेइंग मेरी जिंदगी च तेने लिखे ने और द बेस्ट पार्ट इज ही जो एक सुर ताल होता है ना वो भी मेंटेन 90% रैप्स में सुर ताल की तो बात ही नहीं होती इट्स जस्ट अ फ्लो ऑफ वर्ड्स द फ्लो यू कंटेन ही इज लाइक मेरी जिंदगी हाँ तू ही मेरी जिंदगी तू मिठी है बाकी सारे सिने लिखे ने अगर ये तुम्हें गाना हिट नहीं कर रहा तो उसी लल्ली चली मतलब मैं समझी नहीं वो कह रहा है लल्ली चली सर्कलों तो बाहर रखे जाए मैं जे लोग नहीं होंगे ओके हाँ तो तुसी लल्ली चली मेरे को बड़ा अच्छा वर्ड मिला है लल्ली चली थैंक यू सिद्धू मूसेवाला जी लल्ली चली सर्कलों बाहर रखी है
ओहो, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ड्रॉप था क्या यार? ये चेंज हुआ एकदम से। एक बहुत अच्छा रहा, मतलब मेरे It's a clap. It's not a beat. मैं उनको पहले beat समा रहा था. It's a clap. देखना आप. बहुत सही kid ने खेला इधर. हमसे एक miss हुई है. हाँ. So nice. क्लैप भी हो सकती है, चपेटा भी हो सकती है. इट्स क्लैप. ऑलराइट गाइस, दिस वाज इन सिद्धू मूसेवाला. यार मुझे ना एक सॉरी सॉरी दोबारा से पहन पानी है प्लक्स. क्यों? एक ना मुझे बोली लाइन दोबारा सुननी है. आई थिंक दिस लाइन इज अ रिप्लाई, ठीक है, टू पीपल कुड बी, आई एम नॉट श्योर, टू करण, नॉट टू करण औजला, कोई कुछ पैसे ऐसा लगा नहीं कि उनके कुछ मेंशन किया, बट ही सेइंग टू मेनी पीपल, टू ऑल द हेटर्स, कि मैं तुम्हारे करियर ना सिर्फ अपनी कलम से एंड कर सकता हूं. लिसन टू इट. बहुत सही लिखा, बहुत सही, yes. ये ना मतलब ऐसा लगता है सिद्धू मूसेवाला ना ठहराव से बैठा रहता है. इनका एक बैड करके भी सॉन्ग आया था लास्ट ईयर, दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट नॉट ऑन द सेम लाइंस, बट दैट वाज लाइक कि मुझे मजबूर किया जाता कि मैं ना बैड नहीं है, मेरे को बैड होना पैंदा है. तो इफ यू हैव मिस दैट रिएक्शन, वो हमारे साथ रिएक्शन लिस्ट में है, आप देख सकते हैं. नहीं तो हम उस पर दोबारा रिएक्ट कर देंगे, ठीक है. ओके, सो दिस वाज सिन फ्रॉम सिद्धू मूसेवाला फीचरिंग द किड. बहुत अच्छा था, पसंद आया. नहीं मुझे ना कुछ बोलना था, मैं भूल रहा हूँ अभी. किसके बारे? गिव अवे. नहीं नहीं, गिव अवे इसकी, गिव अवे हम करेंगे. मुझे एक सेकंड, इसमें ना एक एलिमेंट था जो मैं, मेरे को दिमाग में आया था, मैं एंड में बात करूंगा इसके बारे में. मल्टीपल एलिमेंट्स यार, वो बहुत बहुत बहुत, दिस इज लाइक, दिस इज लाइक प्लेड द किड हिमसेल्फ विद द म्यूजिक. यस, मतलब उसने खेल गया वो, जैसे होता है ना किड्स प्ले, लाइक ही जस्ट प्लेड इट विद द म्यूजिक, सो ब्यूटीफुली डन. Guys, do me a favor, please. मैं giveaway की जब बात करूँगा, that has another terms, but in the respect of Sidhu Moosewala, आप please best line अपनी comment कीजिएगा. मेरी best line थी कि चार दिन की जिंदगी है और तीन दिन में मेरे role लिखे हैं. role लिखे हैं. पंजाबी च नहीं बोल पा रहे हैं, मैंनू थोड़ी पंजाबी च हाथ पैर गला मुंह टांग सब कुछ तंग है गए. अरे guys, now we jump into the giveaway. Yeah. So ये है हमारा giveaway जो आपने दिया था. सिद्धू मूसेवाला portrait. Guys, we will give this away to you. You just have to follow 3-4 terms. ठीक है, मैं गिनवा देता हूँ. नीचे मेंशन भी कर दूँगा. Description में सब कुछ है. Description में सब कुछ है. The first thing is you have to follow this channel. That is the Sorted TV. Second, you have to go and follow the Sorted Vlogs. That is also link in the description. Yeah. Third thing, you gotta follow both of our channels. That is Insta with Nick and Insta with Bani. And there is this picture, not this. ये वाली जो picture आ रही है, इस पे नीचे जाके अपने तीन friends को tag करो. और इन सब का जो प्रोसेस हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 सबका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मैसेज करो. आज क्या है? आज सैटरडे 21st of February, संडे. हाँ, तो हम चार दिन बाद, दैट वुड बी 25th, राइट? यस, 25th की नाइट को विल डू अ गिव अवे रिलीज एंड विल टेल हु द पर्सन इज एंड विल शिप दिस टू हिज और हर एड्रेस. करण औजला इज वाज सक्सेसफुल. थैंक यू पीपल फॉर सपोर्टिंग ऑन दैट. इफ यू वॉन्ट बी पार्ट ऑफ दिस गाइज, प्लीज फॉलो, एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन. Without wasting any time, wrapping this video.
मैं तो स्टार्ट भी कर दिया है क्या मतलब स्क्रॉल करना. All right guys, let's wrap this up. See you in the next video. Please note that this video is sponsored by www.gallery99.in. This is me, Nikhil, signing off. It's me, Bani, signing off. And adios. This is the most real signing off. Adios. Adios. Adios.